2024 चुनाव से पहले पश्चिमी यूपी में सियासी तपिश बढ़ने लगी है और इस बीच भाकियू नेता राकेश टिकैत ने विपक्षी दलों पर एक बड़ा तंज कसा है। अक्सर सरकार के खिलाफ मोर्चा खोलने वाले राकेश टिकैत ने इस बार विपक्ष पर बड़ा हमला बोला है। शामली के भज्जू गांव में हुई किसानों की महापंचायत में राकेश टिकैत ने विपक्षी दलों को आड़े हाथों लिया और चुनाव से पहले आईना दिखाया है। एक बहुत बड़ी साजिश रची जा रही है, अभी वो हमारे खिलाफ है, किसान संगठन के खिलाफ है। राकेश टिकैत ने दावा किया कि गलत काम करने वाली सरकारों के खिलाफ उन्होंने लगातार आंदोलन किया है। विपक्षी दलों पर तंज कसने के अलावा राकेश टिकैत ने महिला पहलवानों को लेकर किए गए आंदोलन को लेकर भी सरकार पर तीखा प्रहार किया। सुप्रीम कोर्ट के कहने से रिपोर्ट दर्ज हुई और उसकी गिरफ्तारी नहीं हुई, पास को जैसी धाराएं लगी लेकिन गिरफ्तारी नहीं हुई। तो चार के मोर्चे में पहले मोर्चे की खबरें आपने देखी, दूसरे मोर्चे की खबरों से पहले देखिए 40 सेकंड में चार अहम खबर। भाजपा की नई राष्ट्रीय टीम में यूपी से 5 से 6 चेहरे हो सकते हैं शामिल। राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा की नई टीम जल्द होगी घोषणा। राष्ट्रीय टीम में जाति और क्षेत्रीय संतुलन का रखा जाएगा ख्याल। G20 की बैठक को पीएम मोदी का वर्चुअल संदेश, कहा ग्लोबल साउथ का लक्ष्य है विकास। G20 के विकास का एजेंडा काशी तक पहुंच गया। मिशन 2024 को लेकर एक्शन में पीएम मोदी। 27 जून को पार्टी की ओर से चुने गए 2500 कार्यकर्ताओं को करेंगे संबोधित। 15,000 मंडलों में होगा प्रसारण। बिहार के सीवान और पाकिस्तान से करोड़ों रुपए के ट्रांजैक्शन का खुलासा। मनी लॉन्ड्रिंग मामले में 3 आरोपी गिरफ्तार। आतंकी गतिविधि के एंगल से भी पुलिस कर रही है जांच। और अब चार के मोर्चे में आगे बढ़ते हैं दूसरे मोर्चे की खबरों पर। सबसे पहले बात करेंगे 2024 चुनाव के घमासान की, जिसे लेकर भाजपा टिफिन प्लान के दम पर आगे बढ़ती जा रही है। साथ ही साथ बात होगी सपा की रणनीति की भी। लगातार जारी कार्यक्रमों के बाद अब अखिलेश ने 2024 के योद्धाओं को तलब किया है, पूरी खबर विस्तार से आपको बताएंगे। वहीं आम आदमी पार्टी ने भी यूपी से मिशन 2024 का आगाज कर दिया है, जिसके लिए सोशल संग्राम छेड़ दिया गया है। वहीं बात बसपा के प्लान की भी होगी, क्योंकि तमाम पार्टियों के साथ साथ मायावती ने भी अपने धुरंधरों की तलाश तेज कर दी है। 2024 चुनाव को लेकर भाजपा ने ताकत झोंक दी है। यूपी में लगातार महाजनसंपर्क अभियान चल रहा है और इस बीच संगठन में भी फेरबदल की खबरें आने लगी। 2024 चुनाव के लिहाज से भाजपा न सिर्फ महाजनसंपर्क अभियान चला रही है बल्कि टिफिन बैठक के जरिए भी मिशन 80 पर फोकस है। आज राजधानी लखनऊ में अवध क्षेत्र के टिफिन बैठक बुलाई गई, जिसमें प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी ने भी हिस्सा लिया और अखिलेश यादव पर बड़ा हमला बोला। समाजवादी पार्टी एक मैनपुरी जीतने के लिए उन्हें कितनी ताकत लगानी पड़ी, पूरा कुनबा उनके उनके चाचा ताऊ जी भाई जी पूरी पार्टी मैनपुरी में लगी रही। इस बीच खबर है कि बहुत जल्द भाजपा अपने संगठन में बदलाव कर सकती है। माना जा रहा है कि भाजपा यूपी का प्रभारी बदल सकती है, साथ ही 6 संगठनात्मक क्षेत्रों में भी नई टीम के गठन से लेकर जिला अध्यक्ष भी बदले जा सकते हैं। जो वर्तमान हमारे कार्यकर्ता हैं उन कार्यकर्ताओं को भी अपनी जो हमारा कार्यक्रम है हमारे एजेंडे हैं उसके आधार पर आगे बढ़ना है। वहीं 27 जून को श्रावस्ती में जेपी नड्डा महासंपर्क अभियान में शामिल होंगे। वहीं 29 जून को बिजनौर में अमित शाह बड़ी जनसभा करने वाले हैं। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।